नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। पीएम मोदी द्वारा यह सिक्का विजया राजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया गया है। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। 100 रुपए का यह सिक्का विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के मौके पर जारी किया गया है। 100 रुपए के इस स्मृति सिक्के को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। पीएम मोदी की ओर से इस सिक्के को जारी किए जाने के अवसर पर परिवार के सदस्यों के साथ साथ देश के अन्य भागों से लोग हिस्सा लिए। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए 100 रुपए के इस सिक्के के दोनों तरफ को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस सिक्के के एक तरफ राजमाता विजया राजे सिंधिया की तस्वीर है तो इसके ऊपरी हिस्से हिंदी में श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी लिखा हुआ है। नीचे की ओर यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सिक्के के इसी तरफ उनके जन्म का साल 1919 को और जन्म शताब्दी 2019 लिखा गया है। इस सिक्के के दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरी ओर ही अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। इसी ओर नीचे 100 रुपए लिखा हुआ है। दशहरा दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा बिना ब्याज के एडवांस में ले सकेंगे 10,000 रुपए। जी हाँ, वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले सकेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर असर को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में LTA के कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। आपको बता दें कि हालांकि इसका इस्तेमाल 30 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार के कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिनका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी। हाथरस केस को लेकर कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आधी रात में अंतिम संस्कार होने देते। जी हाँ, हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन के रवैये से नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने वहां मौजूद अधिकारियों से पूछा कि अगर यह बेटी किसी रसूख वाले की होती तो क्या इसी तरह से आधी रात को अंतिम संस्कार किया जाता। इसके बीच पीड़ित परिवार ने कोर्ट में कहा कि उनकी मर्जी के बिना उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौजूद अधिकारियों से पूछा कि अगर आप में से किसी के परिवार की बेटी होती तो क्या आप ऐसा होने देते। परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार का कोई भी साथ मौजूद नहीं था। सिर्फ कुछ गांव वालों को बुलाकर वहां पर गोबर के उपले रखवा दिए गए थे। कोर्ट में DM के उस बयान का भी जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने पीड़िता को कोरोना होने की बात कही थी। परिवार ने इसके साथ ही CBI की जांच रिपोर्ट गोपनीय रखने की भी मांग की। परिवार ने अपनी सुरक्षा का खतरा भी जताया और सुरक्षा जारी रखने की मांग कोर्ट में की। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि पीड़ित परिवार को पहले से ही सुरक्षा दी गई है। बजाज के बाद अब पार्ले जी ने जहरीले चैनलों को विज्ञापन देना किया बंद। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी कंपनी। जी हाँ, आम आदमी का बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पार्ले जी ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने समाज में कथित रूप से जहर घोलने वाले और उग्र कंटेंट प्रसारित करने वाले चैनलों पर विज्ञापन न देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब मुंबई पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। मुंबई पुलिस की कार्रवाई के बाद TV मीडिया को विज्ञापन देने वाली प्रमुख कंपनियां और मीडिया एजेंसियां इस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। पार्ले जी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णराव बुद्ध का कहना है कि कंपनी समाज में जहर घोलने वाले कंटेंट को प्रसारित करने वाले समाचार चैनलों पर विज्ञापन नहीं देगी। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी संभावनाएं तलाश रहे हैं जिसमें अन्य विज्ञापनकर्ता एक साथ आएं और समाचार चैनलों पर विज्ञापन देने के अपने खर्च पर संयम रखें ताकि सभी समाचार चैनलों को सीधा मैसेज मिले
कि उन्हें अपने कंटेंट में बदलाव लाना होगा। राहुल गांधी का आरोप, कहा हाथरस मामले में यूपी सरकार ने की अधिकारियों की मदद। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और जान मारने के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर से निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उसकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने दावा किया कि हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने के बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार और हवा से फैलने के मामले सामने आए। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण अब सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना हवा के जरिए फैल रहा है, इसके भी सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोरोना अब हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके अलावा राज्य में सामुदायिक स्तर पर कोरोना फैलने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से आग्रह किया है कि किसी को भी बिना मास्क के पंडाल में घुसने ना दिया जाए, उन्हें अलग जोन में रखा जाना चाहिए। अगर पूजा समिति उन्हें मास्क मुहैया करा दे तो अच्छी बात है, लेकिन हम सभी से यह उम्मीद नहीं रख सकते। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुलों का उद्घाटन करते हुए सिंह ने अपने संक्षिप्त संबोधन में पाकिस्तान और चीन से लगते हुए भारत की सीमा पर स्थिति का हवाला दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आप हमारे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं, पहले पाकिस्तान और अब चीन। ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं। इन देशों के साथ करीब हमारी 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरंदेश नेतृत्व के अंतर्गत भारत इन संकटों का न केवल मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। अधिकारी ने बताया कि इन 44 पुलों में से अधिकतर रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों में हैं और ये तेजी से सैनिकों और हथियारों की आवाजाही सुनिश्चित करने में सैन्य बलों की मदद करेंगे। इस 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार वाली ट्रेन में होंगे सिर्फ एसी कोच, रेलवे ने तैयार की योजना। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा कि भारतीय रेल नेटवर्क को उच्च गति की क्षमता वाले नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता डीजे नारायण ने कहा कि जहां भी ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी, वहां वातानुकूलित कोच का इस्तेमाल जरूरी होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज के ट्रैक को 130 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। नॉन एसी स्लीपर कोच की जगह एसी कोच लगाए जाएंगे। ये उन्हीं ट्रेनों के लिए होगा जो 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। नारायण ने कहा कि एसी कोच अनिवार्य रूप से 130 या 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की तकनीकी जरूरत है। कुछ कॉरिडोरों में गति क्षमता पहले ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक अपग्रेड हो चुकी है। हवा और मौसम जैसे फैक्टर की वजह से केवल कुछ विशेष प्रकार के कोच ही हाई स्पीड पर चल रहे हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय के साथ साथ
पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का उपयोग किया जाता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।